कैसे हैं आप लोग गाइस। होप करता सो लोग अच्छे हो। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के वो टाटा रनो जिसका ऑफ रोडिंग करने वाले, साथ में गाड़ी सेलिंग पे भी है। तो दोनों मज़ा आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से टाटा रनो ड्राइव आप कर सकते हो। तो आज मैं आपको ऑफ रोडिंग अच्छे से दिखाऊंगा स्कॉर्पियो वर्सेस टाटा रनो का। बट मैं आपको पूरा वार तो इसका दोनों का नहीं दिखाने वाला क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा भी वीडियोस देखना हो तो कमेंट बेशक करें, आपको देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी के मैं प्राइजिंग बताने लो, साथ में आपको इस रिव्यू को देखने के बाद आपको इसका सस्पेंशन का पता चल जाएगा, कितना पावर है टाटा रनो के अंदर ये भी आपको पता चल जाएगा। और ये जो गाड़ी देख रहे हो यही है फोर सेल, इसका प्राइजिंग बताऊँगा कितने तक आपको मिल जाएगा। लुक वाइज बात करें, इसका डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ का बात करें तो देख सकते हो इतना मस्त ऑफ रोडिंग करे, इतना अच्छा पहाड़ पर चला रहा है, फिर भी देखो नीचे में टच बिल्कुल नहीं हो रहा है। इससे आपको साफ साफ पता लग रहा होगा ग्राउंड क्लीयरेंस क्या ही है टाटा नैनो के अंदर, मतलब ज़बरदस्त है भाई। स्कॉर्पियो का हमने किया था तो थोड़ा फंस गया था, अटक गया था, नहीं चढ़ पा रहा था, बट टाटा नैनो तो एक बार में चढ़ गया। यहाँ पर देखो किस तरीके से इसे उतारा जा रहा है, उसको देखो कितना मस्त होता है। नीचे ग्राउंड क्लीयरेंस का बात करें तो गाइस बिल्कुल भी टच नहीं होता। ऑफ रोडिंग मैं तो बोलूँगा भाई टाटा नैनो के अंदर भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको थार ही लेना पड़ेगा। थार फार को छोड़ो भाई, टाटा नैनो खरीदो, बिल्कुल जबरदस्त गाड़ी है, माइलेज भी ओके देगा, साथ में आप ऊंचा गड्ढा कहीं भी उछालो कुदाओ फनाओ कुछ भी करो, बिल्कुल मज़ेदार है। ये देखो कीचड़ के अंदर भी आपका गाड़ी निकल जाने वाला है, ये ना सोचे कि कीचड़ के अंदर फंस जाएगा। देखो बगल में जस्ट थार भी लगा रखे और इसके बाद यहाँ से कीचड़ में ये कर रहे हैं। बस एक बार हमारा नैनो फंसा था जो कि आपको दिखाने वाला, टेंशन ना लो। और गाड़ी का हम यार क्या बात करने वाले थे, क्या आपको बता रहे, इसका प्राइसिंग का बात करने वाला और इसका बात करना डिटेलिंग का क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो गाइस गाड़ी तो खैर काफ़ी अच्छा है, गाड़ी तो आप देख सकते हो बिल्कुल ज़बरदस्त है। RS का आपको देखने को मिल जाएगा बैजिंग नहीं है वो, बस स्टिकर टैटू लगा हुआ है। यहाँ पे एलॉय का बात करें तो एलॉय कवर आप देख सकते हो गाइस बिल्कुल ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक का लगा हुआ है। डिज़ाइन का बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और यहाँ पर लुक देख सकते हो। और इसी के साथ हमारा नैनो यहाँ पर फंस जाता है, उसके बाद फिर रिवर्स करने पर ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है और दो लोग मिलकर धक्के मारते हैं, फिर जा कर के नैनो धीरे धीरे करके निकलता है। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे निकलता है। तो गाइस इंसान के धक्के मारने से तो निकलेगा नहीं, आप खुद सोच लो। तो फिर हमारा थार लगता है, उसके बाद फिर इस गाड़ी को ईजिली निकाल देता है। तो कहीं कहीं तो कोई भी गाड़ी फंस सकता है, और बाकी नैनो का इतना पावर यार बिल्कुल काफ़ी है, इतना ज़्यादा यहाँ कीचड़ था कि यहाँ फंसना फिक्स था इस गाड़ी को। इतना छोटा छोटा इसका व्हील होता है यार, स्कूटी का टायर इसके अंदर दिया रहता है तो आप समझ सकते हो। बाकी गाड़ी के अंदर कोई ख़राबी नहीं हुई थी, देख सकते हैं निकालने के बाद जस्ट फटाफट गाड़ी चलने लग गई थी। JK नंबर गाड़ी है, आपको कितने प्राइस मिलेगा ये भी बता देता हूँ। देखो हमने फिर भी नहीं माना, निकलने के बाद जस्ट फिर से स्टंट पे इसको लगा दिया और इतना ऊँचा पहाड़ से जैसे इसको कूदाने का प्लानिंग था, उसके बाद फिर बहुत आराम से बिल्कुल पोलाइटली कूल होकर के गाड़ी निकल भी गई थी। तो गाइस अब बात कर लेते इसका प्राइसिंग का थोड़ा, जिससे आपको लेने में इजी हो। तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है 30,000 रुपये में। 30,000 रुपये में गाड़ी आपका हो जाएगा, नंबर प्लेट मैंने बता ही दिया। तो गाइस कॉन्टैक्ट नंबर ऑनर का आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक बात और मैं आपको भी क्लियर करता हूँ, इस गाड़ी के अंदर AC नहीं है, विदाउट AC गाड़ी है। तो जिन भाई को लेना है ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके कॉल कर लें।